आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने बांटा है तीन पार्ट्स में। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड मैग्नेटिज्म, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें हम बेसिकली चार्ज के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही चार्ज की ही बात करते हैं। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, जब मोशन में होता है तो वो क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, इनके बारे में हम जानेंगे। अब जब कोई चार्ज रेस्ट की पोजीशन में है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट वही चार्ज अगर मूव कर रहा है बट किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो चार्ज कहलाएगा मैग्नेटिज्म, मतलब हम वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और वही चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी सम एक्सीलरेशन के साथ, किसी स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा। जैसे कि एग्जांपल से हमारे लाइट एंड एक्सरे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए चार्ज होता क्या है। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ रिप्रेजेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरैक्शन। और इसकी SI यूनिट होती है चार्ज की, कूलम। और 1 कूलम चार्ज कैरी करता है इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज हम पता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर नेगेटिव चार्ज है दूसरे साइड, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सेम चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, ये क्या करेंगे, दूर भागें। अगर एक बॉडी है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आपस में सामने आने की कोशिश करेंगे। बट सेम चार्जेस होने की वजह से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और सेम चार्जेस को कहा जाता है लाइक चार्जेस, और अगर जो डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनको कहा जाएगा अनलाइक चार्ज। वैसे ही जैसे हमने देखा है मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि कैसे ये चार्ज आता है, रबिंग से, कंडक्शन से और इंसुलेशन से। रबिंग, जैसे कि हम देखते हैं ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे अगर हम उसको रब करें तो उस पर चार्ज आ जाते हैं। लाइक इन अवर चाइल्डहुड वी डू द थिंग, वी कैन स्केल को अपने हेड पे रब करके देखते थे और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता था वो स्केल, तो वो कहलाता है रबिंग। कंडक्शन मतलब छू देने से चार्ज आ जाए। इंसुलेशन, बिना टच किए चार्ज फ्लो करना। अब यही जो चार्ज है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, तो यहाँ है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज क्या है, सबसे सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है जिसपे कि एक चार्ज दिया गया है पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज और एक चार्ज है -3 कूलम, तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, -1। वो कैसे, एज द नेम, इसका नाम है एडिटिव ऑफ चार्ज। तो जैसे हमारे पास है पॉजिटिव 2 चार्ज, इसको हम ऐड करेंगे -3 से। सिंपल मैथमेटिकल सिंप्लीफाई किया हमने इसको, हमारे पास आ गया -1। तो ये था हमारा एडिटिव ऑफ चार्ज, ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल पैकेट, कोई भी स्मॉल पैकेट्स में काम होना। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका वैल्यू है -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये हमारा इसमें बेसिक एलिमेंट है। जैसे लाइफ में बेसिक एलिमेंट क्या है हमारा, सेल, सबसे बेसिक यूनिट है हमारा सेल। वैसे ही अगर हम किसी घर की बात करें, इस सबसे छोटा चार्ज हमारे पास है, तो ऐसे घर में सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है, एक ब्रिक, ईंट। तो हम इसे तोड़ नहीं सकते बिकॉज सबसे छोटा एलिमेंट तो हमारे पास यही है, ये छोटा चार्ज है। तो अगर हम चार्ज लेना या देना चाहें तो क्या होगा, इसके मल्टीपल्स में लेंगे, हम इसको आधा, हाफ नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज देना है या लेना है तो हमें इसके मल्टीपल से लेना पड़ेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, अप टू 100 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका हाफ नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक है,
जैसे अगर हम बात करें, पहले तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई से। यहाँ पे एन हमारा क्या है, सम इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है। हाँ, तो हम बात करते हैं ये क्या है, बेसिक एलिमेंट है यानी इलेक्ट्रॉन, ये है एक इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। इसको हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बट ये गलत है क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, ये इसका हाफ है, तो हाफ हम कर ही नहीं सकते। तो अगर हम मल्टीपल करें तो 1.6 इंटू 2 अब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन का मल्टीपल, यानी कि क्वांटाइजेशन का बेसिक यूनिट था हमारे पास 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका जो मल्टीपल होगा वो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।